आतंकी हमले का इनपुट, जम्मू से पठानकोट तक रेड अलर्ट, पुंछ जैसे अटैक की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान एक बार फिर घुसपैठ करवाने और सुरक्षा संस्थानों को निशाना बनाने की फिराक में है। यह इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। इसके बाद पठानकोट से लेकर जम्मू के रत्नूचक तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के लिए विशेष हिदायतें जारी कर दी गई हैं। साथ ही कठुआ के आर्मी पब्लिक स्कूल में बुधवार को सुरक्षा कारणों से अवकाश घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार हीरानगर सेक्टर के ठीक सामने ISI और पाकिस्तानी एजेंसियां एक बार फिर भारतीय सीमा में दहशत फैलाने के मंसूबों पर काम कर रही हैं। आतंकी लॉन्च पैड सकरगढ़ में संदिग्धों की मौजूदगी और उनके नापाक मंसूबों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मंगलवार को सुरक्षा कारणों से आर्मी पब्लिक स्कूल को जहां अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, वहीं सभी महत्वपूर्ण इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करते हुए गश्त और नाकेबंदी की जा रही है। खुफिया सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों के अनायास मूवमेंट पर भी मंगलवार शाम से बुधवार तक रोक लगा दी गई है। सैन्य क्षेत्रों की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाया गया। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि किसी सैन्य संस्थान या फिर उसे सटे इलाके को निशाना बनाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इसलिए भी चौकस हो गई हैं कि घुसपैठ करवाए जाने के अलावा हमले के लिए जम्मू कश्मीर में पहले से दाखिल हो चुके आतंकियों या फिर ओवरग्राउंड वर्करों को भी मदद ली जा सकती है। शाम ढलने के साथ ही तमाम सैनिक क्षेत्रों की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बल भी अलर्ट पर हैं। पुंछ जैसे हमले का भी खतरा, पुंछ के भाटा दूड़िया जैसे हमले का भी खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि सैन्य वाहनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस वजह से अकेले सैन्य वाहनों के मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी भी बाजार अथवा अन्य स्थानों पर सैन्य वाहन पार्क ना किए जाएं। इन सबके मद्देनजर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं।